सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करते हैं आपका एक और फ्रेश व्लॉग में। सो भाई, आज हमारे सामने जो बाइक खड़ी है वो है आपकी RC KTM 200। तो ये भाई न्यू कलर एडिशन में आई है। तो अभी जो ये 2024 का लॉन्च है, तो इसमें जो दो बाइक्स का जो है, इसमें दो एडिशन आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एडिशन और एक मोटो GP एडिशन। तो ये वाला जो एडिशन है, ये आपका स्टैंडर्ड एडिशन रहने वाला है, जो आपके नॉर्मल एडिशन से 4,000 रुपये कम रहेगा। तो लगभग अगर प्राइस की बात कर लेते तो इसका प्राइस रहेगा 2,14,000 एक्स शोरूम, और उसका प्राइस इसे 4,000 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2,18,000 एक्स शोरूम प्राइस इसमें रहेगा। बाकी ये वेरी करेगा आपका कंपनी टू कंपनी। तो चलिए अब ओवरऑल लुक की बात करते हैं। तो भाई, दिस इज़ द ओवरऑल लुक फ्रॉम द बैकग्राउंड। इसकी बैक साइड से इसकी ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया हुआ है। सस्पेंशन दे सकते हैं कि RC के अंदर आपको सेंटर भी दिया हुआ है। बट एक खास बात है जो आजकल अब इनकी न्यू बाइक्स में आ रहा है, जो 390 आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो सस्पेंशन है साइड में दिया हुआ है। तो दैट्स द डिफरेंस। बाकी फेयरिंग की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फेयरिंग में आप देख सकते हैं बैजिंग मिल जाएगी आपको, RC 200 रेडी टू रेस की बैजिंग, और ये कुछ ये KTM लिखा हुआ है बट ब्लैक में है, तो ब्लैक टू ब्लैक में आपको कम पता लगेगा। बाकी अगर लेफ्ट साइड से इसकी प्रोफाइल दिखाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम कुछ इस तरीके की ही बैजिंग रहेगी, RC 200 रेडी टू रेस, और KTM भी लिखा हुआ है, ब्लैक एडिशन में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको रेसिंग KTM की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पर टायर प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइडर 28.5, रियर 28.5, और राइडर विथ पिलियन सेम रहेगा आगे का, और पीछे का आपको जो है रियर का जो एयर प्रेशर है वो बढ़वाना पड़ेगा 31.9। चलिए अब एक बार फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो फ्रंट से कुछ ओवरऑल लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आने वाली है। बाकी अगर टायर प्रोफाइल की तो आपको बात पता ही है कि जैसे ये एडवेंचर है तो इसमें एडवेंचर टाइप टायर रहता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्प्लीटली रेडियल और फ्लैट टायर यहाँ पर आपको मिलता है। और ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है ब्लैक कलर एडिशन की। इसके साथ आपको जो अलॉय मिलते हैं वो आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं इसमें, और यस पीछे भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अलॉयज हैं। चलिए अब एक बार इसको ऑन करते हैं, फ्रंट से इसको देखते हैं कैसी लुक आती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बाइक पर बैठ चुका हूँ, और अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपको, तो भाई इसमें जो है ना, ये अगर आपके पास KTM की एडवेंचर 390X है तो सेम उस तरीके के इसमें बटन आपको मिले हुए हैं, और यहाँ पर भी उस तरीके के बटन हैं। और अगर ये वाले पोर्शन की मैं बात करूँ तो ये भी सेम उसमें आपको मिल जाएगा। तो मींस जो ओल्डर 250cc वाली बाइक आती थी इनकी, वही वाला अभी मीटर इसमें कॉपी हुआ है जो, बट अभी जो KTM की जो ड्यूक आ रही है उसमें देर इज़ एन अपग्रेड इन द मीटर, बट RC में अभी यहाँ पर मीटर का अपग्रेड नहीं हुआ है। कि वही किल स्विच और ये वही स्टार्ट का बटन, और ये सेम फंक्शनिंग सेम। बाकी यहाँ पे WP के आपको देख सकते हैं सस्पेंशन मिल जाएंगे, और बैठने का पोस्चर कुछ उस तरीके से ही है जैसे इस बाइक में आता है। तो ओवरऑल जो है हम बात बताने के इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इस बाइक में आपको जो मीटर है ना, वो आपको एक ओल्ड जो KTM है उसी से कैप्चर अभी मतलब इसमें इम्पोर्ट हुआ है, बट अभी जो न्यू KTM ड्यूक आ रही है उसमें डेफिनेटली मीटर अपग्रेड है, और 390 का जो मीटर है वो तो फंटास्टिक है, सबसे अलग मीटर है। तो चलिए अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन से पहले इसकी ना बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी जो इंडिकेटर्स है ये बाहर की तरफ आपको मिल जाएंगे, और जब यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी तो ये भी थोड़ा सा और वास्ट हो जाएगा। साथ में ये आप देख सकते हैं टायर को कवर करने वाला टायर अगर इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, तो कंपनी से ही आपको यहाँ मिलने वाला है। बाकी सीट की बात कर लेते हैं तो पीछे आपको ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं, थोड़े से छोटे हैं अगर मैं बात करूँ, बट इस बाइक के हिसाब से होंगे। और सीट आप देख सकते हैं कि स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, और सेंटर में आपको इसका लॉक मिल जाएगा सीट निकालने का, और यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से RC की बैजिंग मिल जाती है। तो ये देखिए RC की बैजिंग। बाकी यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैनुअल दिया है। बाकी ये गाड़ी जो है E20 में आती है, मतलब BS6+ में आपकी काउंट होगी, और कुछ इस तरीके से आपकी दो कीज़ के साथ ये प्रोवाइड करी जाएगी, जिस पर भी आपको KTM की यहाँ बैजिंग मिल जाएगी। इसकी वीडियो बनाते बनाते मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि भाई KTM RC जो सॉरी ड्यूक 390 है भाई, उसमें सीट दी है कंपनी ने ऑरेंज कलर में, तो आप बताइए किस तरीके से लग रही है। बहुत अमेजिंग मुझे लगी, सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे अब तक इस बाइक में लगी है। और साथ ही साथ इसकी मीटर की बात करता हूँ तो भाई गजब तरीके का मीटर है KTM ड्यूक 390 जिसके पास है ना भाई, अमेजिंग मीटर इसमें दिया है, और इसको मतलब भाई डिटेल में चेकआउट करना पड़ेगा। और एक खास बात और, तो देखिए डोमिनार के मिरर्स यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने फिर से
KTM RC 200 पे। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं जल्दी। तो सबसे पहले अगर इंजन सीसी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 199.5 सीसी का इंजन इसमें आपको प्रोवाइड करा जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा 25.8 PS की पावर। तो इसमें आपको 25.8 PS की पावर मिलने वाली है 200 सीसी के इंजन। एंड इसमें आपको मैक्सिमम टॉर्क जो है ना वो रहने वाला है 19.5 का मैक्सिमम इसमें टॉर्क रहने वाला है। और साथ ही साथ इसकी जो कंपनी क्लेम करती है माइलेज वो है इसकी भाई 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बाकी टोटली डिपेंड करेगा आपके चलाने की स्पेसिफिकेशंस पे आप इसको किस तरीके से इसको आप चलाते हैं। बाकी अगर यहाँ ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स में आपको यहाँ पे डबल डिस्क का ऑप्शन मिलने वाला है। तो वैसे मुझे तो यहाँ के फ्रंट में ही डिस्क दिख पा रही है और अभी बैक में भी देख लेते हैं तो भाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर डबल डिस्क का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है इस बाइक में। और साथ ही साथ जैसे मैंने इसकी एवरेज बता दी आपको 35 की इसमें रहने वाली है। और साथ ही साथ जो इसके टायर हैं वो दोनों आपके ट्यूबलेस रहने वाले हैं। अगर टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं इस बाइक की तो भाई टैंक कैपेसिटी इसकी आपकी लगभग रहने वाली है 13.7 लीटर की टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ऑल्सो अगर इसके कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट कलर ऑप्शन आपके सामने ये आपका कंसीडर होगा ब्लैक कलर में, सेम टाइप में आपको मिल जाएगा ब्लू कलर, और इसका जो मोटो जीपी एडिशन रहेगा वो आपका रहने वाला है ऑरेंज कलर में। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स इसमें आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर बेटर लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ इट अबाउट KTM RC 200 रेडी टू रेस 2024 एडिशन। तो आप बताइए बाइक आपको कैसी लगी, आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इस ट्राई करेंगे आपके आंसर्स देने के लिए। बाकी दिस इज़ ओवरऑल इसकी जो है, और बाकी मुझे जैसा दिख पा रहा है कि भाई इसमें एक क्विक शिफ्टर इसमें दिया हुआ है तो आप बताइए भाई क्विक शिफ्टर ही है मेरे हिसाब से, क्विक शिफ्टर ही यहाँ बाइक में दिया हुआ है। तो ये आपको हेल्प करेगा जब आप 20-30 से ऊपर बाइक चला रहे हैं तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक गियर को शिफ्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट KTM RC 200। तो भाई बताइए आपको कुछ इससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली आप यहाँ पे वीडियो में आकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग टिल हियर, मिलेंगे आपसे किसी और फ्रेश ब्लॉग में किसी और बाइक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।